महात्मा बुद्ध कितने विनम्र लगते हैं, पर उनके जितना कोई जिद्दी नहीं हुआ। उन्होंने फैसला कर लिया था राजकुमार से सन्यासी बनने का। इसके बदले में उन्हें काफी सारी गालियां और ताने भर भर के मिले, लेकिन उन्होंने ये फैसला कभी वापस नहीं लिया। न अपने समाज का कोई नियम माना, न ही कोई बात सुनी। जो किसी के रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके अपने रूल्स होते हैं। हमें दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना होता है, न ही कोशिश करे, उन्हें इग्नोर करना होता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, जो सबको इग्नोर करते हैं और सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है पूरी दुनिया उनसे इम्प्रेस हो जाती है। जो लोग हमेशा यहाँ पर होते हैं, ये वो लोग हैं जिनका ध्यान खुद पर होता है, और इस साइड वाले लोग वो होते हैं जिनका ध्यान दूसरों पर होता है। सिर्फ खुद पर और अपने वेरी इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान देना, इसको खुद पर फोकस करना कहते हैं, जिसका परिचय अर्जुन ने दिया था। वहाँ पर मौजूद सभी राजकुमार सेम गुरुकुल में थे, एक ही आचार्य से सीख रहे थे, पर बाकी सभी डिस्ट्रैक्ट थे, लेकिन अर्जुन फोकस था। आपका टाइम और फोकस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ये कीमती चीजें खुद पर ही लगी होनी चाहिए। अपने टाइम का इस्तेमाल करिए खुद में वो क्वालिटीज और गुण डेवलप करने के लिए, जो उन सभी लोगों में पाए जाते हैं जो अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरिया में सक्सेसफुल हैं। पहली क्वालिटी हम खुद में डेवलप कर सकते हैं, स्मार्टनेस। बी स्मार्ट माय फ्रेंड। मासूमियत, क्यूटनेस, भोलापन घर तक ठीक है, बाहर नहीं। बाहर भी सिर्फ उन लोगों के सामने आप मासूमियत दिखा सकते हैं जो खुद मासूम है, जैसे कि आप डॉग और स्नेक दोनों के सामने एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। आपके साथ बिजनेस में, रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में कभी धोखा होता है, तो एक बार हुआ तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बार बार हो रहा है तो उसमें आपकी ही गलती है। जैसे कि सड़क पर एक गड्ढा है, 100 लोग उसी सड़क से गुजर गए हैं, पर कोई भी उसमें गिरा नहीं, गिरेगा वही जो खुद अंधा है। बार बार धोखेबाज लोग उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें लोगों को पहचानने की समझ नहीं। स्मार्ट दिखना और स्मार्ट होना दोनों में फर्क है। फिलहाल मैं बाहर के लोगों का छोड़िए, सबसे स्मार्ट इंसान तो वो है जिसका अपने दिमाग पर काबू है। जिनका अपने दिमाग पर काबू नहीं होता है, उनके दिमाग पर कोई और काबू कर लेता है। हम अभी चेक कर सकते हैं कि हमारा अपने माइंड पर कितना कंट्रोल है भी या फिर नहीं। पॉजिटिव रहना, खुश रहना हमारी इच्छा और नेचर है, लेकिन अगर हम ज्यादातर टाइम नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, हमको एंजाइटी और स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो हमारा अपने माइंड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि चाहे आपके स्ट्रेस की वजह कुछ भी हो, वो असली वजह इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा दिमाग उसको बना रहा है। क्योंकि इंसानी खोपड़ी को नेगेटिविटी से बहुत लगाव है, तो जिस इंसान की जिंदगी में नेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका खुद का दिमाग काबू से बाहर है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन सब ओनली दिमाग के अंदर है, बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग के इस जाल में बिल्कुल उलझ करके नहीं रह जाएं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं, कंट्रोल अपने हाथ में ले। ओनली एक ही प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट में रहने की। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने में ही ध्यान हो, ओके? अब दूसरी चीज सीखिए, बी साइलेंट। इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह साइलेंस मेंटेन करना सीखे। जिनसे भी मिलो, सुनने में बिलीव करो, बोलने में नहीं। कुछ भी बताने की, एडवाइस देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि पहली बात, किसी को एडवाइस सुनना पसंद नहीं है, और दूसरी बात, हमारा अपने सेम लेवल के लोगों के साथ ही मिलना जुलना होता है, राइट? तो जो हमें पता है वो ऑब्वियसली उनको भी पता है। और तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हर किसी को ओनली अपनी कहानी और बातें सुनाने का मन करता है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है दूसरे की सुनने में। तो आप जब भी एडवाइस दे रहे हैं, जब भी अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी कोशिशें बेकार हैं। इनफैक्ट जब आप लोगों से मिलते हैं और सुनना सीखते हैं, तो ये स्किल हमेशा आपको लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि ठीक से सुनना बेटर कम्युनिकेशन स्किल का पहला स्टेप है, बोलना सेकंड स्टेप है। और इनसाइड साइलेंस मेंटेन करने का यहाँ पर मतलब है हमारे अंदर जो पूरे दिन बकवास चलती रहती है उसको शांत करना। आपको बता दें, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, क्योंकि जब आप अपने अंदर चल रहे विचारों को शांत करना सीखते हैं, तो उसके साथ ही आप अपनी हर परेशानी का सोल्यूशन अनलॉक कर लेते हैं। इसको थोड़ा समझिए, हमको हर कोई एडवाइस दे देगा, रास्ता भी बता देगा, इनफैक्ट मोटिवेट भी कर देंगे, लेकिन कोई ये नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली हमको अपनी परेशानी से बाहर निकलना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला नहीं बता सकता है ना कोई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एडवाइस देने वाले को आपकी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस कैसे थे ये नहीं पता है। आपने कब कैसा महसूस किया था, आपकी कमजोरियां क्या है, आपको किस चीज से डर लगता है, आप कैसे माहौल में पले बड़े हैं, ये सब उन्हें नहीं पता है। और इस वजह से वो सोल्यूशन तो दे देते हैं, और उनके दिए गए सोल्यूशन हमें पता होने के बावजूद भी हम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो एडवाइस वो हमें दे रहे हैं वो उनका अपना एक्सपीरियंस है। उनके जीवन में जो जो फॉर्मूला काम आए थे वही तो वो हमको बताएंगे ना। लेकिन दिक्कत ये, सबकी लाइफ तो अलग होती है। आपकी परेशानी में फिट होने वाला सोल्यूशन आपके अंदर से आएगा, और वो तब आएगा जब हम दिन में कुछ देर के लिए अकेले कहीं शांत जाकर के बैठे, नो फोन, नो पीपल, नो वर्क, बस आप अकेले। ये कितना साधारण लगता है, पर यही वो सीक्रेट है जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। और ये वही लोग हैं जो एक के बाद में एक अपनी परेशानियां सुलझाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। देखिए, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, यहाँ पर कोई ज्ञान वाली बात नहीं है, इसको प्रैक्टिकली समझिए। अपने साथ ऑनेस्ट होना, यानी कि हम दिन भर जो शब्द बोलते हैं ना, कि आज मैं पढ़ाई करूंगी, आज मैं वर्कआउट करूंगा, लेकिन हमने नहीं किया। इस तरह से हम डेली कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अपनी बात को पूरा ईमानदारी से निभा नहीं रहे हैं। इससे पता है क्या होता है, हम ये हरकत काफी सालों से करते आ रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी एक इमेज फिक्स हो जाती है कि ये इंसान जो भी बोलता है वो कभी पूरा नहीं करता है, और ये एक झूठा इंसान है। और सबकॉन्शियस माइंड जिसमें बिलीव करने लगता है, अगर वो चीज अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर वो चीज गलत है तो वो हमको परेशान करेगा। तो इमेज कुछ इस तरह की बनती है कि जो इंसान, यानी कि हम, अपनी डेली की बोली गई छोटी छोटी बातों पर भी टिके नहीं रह सकते हैं,
तो फिर हम अपने काम में, वर्क में, रिलेशनशिप में और किसी से किए गए प्रॉमिस कुछ भी नहीं निभाते हैं ईमानदारी से, क्योंकि ऑनेस्टी तो हमें है ही नहीं। एक बात कही जाती है, इफ यू ब्रेक योर वर्ड्स विल ब्रेक यू। अपने बोले गए शब्दों को कॉन्ट्रैक्ट की तरह निभाना सीखे। नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो तो हर किसी को खुद में डेवलप करना ही चाहिए, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। इतना भी टेंशन में मत रहो जैसे कि पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने से पहले इस बात पे गौर करिए कि आपको मेंटली कमजोर बनाता कौन है। जो नेगेटिव बातें हम खुद से करते हैं वही हमको कमजोर बनाती है। इस नेगेटिव टॉक को हम फेक स्टोरीज भी बोल सकते हैं जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। अगर आप कभी भी लाइफ में पावरलेस महसूस करो, एंजाइटी हो रही हो, तो तुरंत उस चीज के बारे में सोचें जिसको आप बदल करके नेक्स्ट मूव बेटर ले सकते हैं। और एक सेकंड के लिए भी उस चीज के बारे में नहीं सोचें जो आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी एंजाइटी बढ़ा रही है। बार बार आपका प्लान फेल हो रहा है तो ये कोई अजीब बात नहीं है। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, फिर चाहे वो दुनिया की बेस्ट लोगों की टीम ने ही क्यों ना बनाया हो। अगर परफेक्ट प्लान ही बनाए जाते तो एलोन मस्क और उनकी टीम तो कभी फेल ही नहीं होती। उनके पास तो वर्ल्ड के बेस्ट लोग हैं। सक्सेस वो होता है जो प्लान बनाता है, अपने ईगो को साइड में करके जब भी जहाँ भी जरूरत महसूस हो प्लान को चेंज करके आगे बढ़ता है। सब तरफ आपको लग रहा है कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं लगातार। बस इस बात को अपने माइंड में लेकर चलो, जिस परेशानी में आप हैं वो दुनिया की सबसे छोटी परेशानी है। नेक्स्ट है लाइव इन द रियल वर्ल्ड। एक होता है फैंटेसी वर्ल्ड, एक होता है रियल वर्ल्ड। और हो सकता है हमारी सबके एक एक सपनों की दुनिया हो अपने दिमाग में, जो कि फिल्मों से इंस्पायर्ड है। लाइक वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, लव एट फर्स्ट साइट, ये वाली तो एक नंबर की फालतू चीज है। वैसे इसकी रियलिटी तो ये होती है कि लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट, बस काम तमाम हो जाता है फिर। और कुछ डायलॉग्स जैसे कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। इस डायलॉग को ओनली करियर और ड्रीम तक ही सीमित रखें, लव वाले मामले में फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उधर की रियलिटी ये है किसी को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसकी शादी कहीं और कराने में लग जाती है। ओके, इसलिए फिल्मों से इंस्पायर होकर के बनी अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। फिल्मी वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ओनली फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है, रियल वर्ल्ड में जो भी एंडिंग होती है उसमें ही हैप्पी होना होता है। और असली दुनिया का फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, कुछ हमें चाहिए है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। जीने के लिए सांस भी लेते हो तो पहले सांस छोड़नी पड़ती है। अगली क्वालिटी खुद में इसलिए डेवलप करें क्योंकि ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, बी हम्बल। जब कोई IPS, IAS, डॉक्टर, बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़ा टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाते हैं, तो फिर वो अपने से छोटी पोस्ट वालों के साथ में उतना रिस्पेक्ट से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सक्सेस हमारा ईगो थोड़ा सा तो जरूर ही बढ़ा देती है। हमेशा हम्बल रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हमको याद रहे हमारा रंग, शक्ल, हाइट जो भी मिला है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, घर वालों से मिला है। जैसे कि किसी को अपने अच्छे दिखने पर घमंड हो जाता है ना, उन्हें ये याद रखना चाहिए। उसके बाद में IPS, IAS ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं, उसमें हमारा एजुकेशन, समझ और IQ बढ़िया होना चाहिए। और ये तीनों तो सीधे सीधे ही हमें पेरेंट्स से मिला है, हमारा अपने IQ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी हमारे पास में अकल होती है, दिमाग होता है, हम उतना ही तो पाते हैं दुनिया में, और अकल तो पेरेंट्स से ही मिली होती है। इसलिए जो हमसे नीचे वाली पोस्ट पर है उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम भी उनकी जगह हो सकते थे। नेक्स्ट क्वालिटी, ट्रस्ट ओनली इन योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इन गॉड। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस, हेल्प और सपोर्ट, ये उम्मीद रखना ये बताता है कि हम सेल्फिश हैं और कमजोर भी। सपोर्ट की उम्मीद तो हमेशा कमजोर ही करते हैं, और सेल्फिश इसलिए बोला है, हम अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों से बहुत कुछ चाह रहे हैं। हमें जो भी परेशानी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अकेले हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सहने की औकात कितनी है उसी हिसाब से ऊपर वाला हमको परेशानी देता है। इसलिए इस बात की तो गारंटी है, जिस मुसीबत में आप अभी हो वो अकेले हैंडल तो कर ही सकते हो। सोते वक्त दो चीजें करें, एक तो जो आपके पास में है उसके लिए थैंक यू बोले ऊपर वाले को, और साथ में ऊपर वाले से ये भी बोले कि मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन आप मुझे गाइड करते रहना, रास्ता दिखाते रहना। आप नास्तिक हो तो समझ लीजिए ये मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आप किसी में आस्था रखते हो तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वालिटी बहुत ही सिंपल है लेकिन काफी पावरफुल भी है, बी पेशेंस। एक सवाल काफी बार लोगों के दिमाग में आता है कि जैसे कि लोग एक ही कॉलेज से निकले हैं, यानी कि सबकी एजुकेशन सेम है, सेम सबके पास में टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की वजह से सबके पास में सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन भी है, फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नॉर्मल जिंदगी जिएंगे और कुछ लोग थोड़े टाइम के बाद में एक बड़ा नाम बन जाएंगे? तो जवाब है, जरूरी रिसोर्सेज सबके पास है पर सब हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट आने तक सब पेशेंस नहीं रख सकते हैं, और पेशेंस हम इसलिए नहीं रख पाते हैं हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ वो नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं। जो एफर्ट आप लगा रहे हैं ना वो कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें। गिव अप करना और ये बोलना कि कंपटीशन बहुत है, मुश्किल बहुत है, ये सब बोलना इजी है, कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। जो इजी चूज करते हैं उनकी लाइफ कुछ टाइम के बाद में यूजलेस लगने लगती है, जो हार्ड चूज करते हैं उनकी लाइफ अमेजिंग बनती है। ऑलवेज चूज हार्ड ऑप्शंस। अब समरी ये है, बेस्ट लाइफ उसकी नहीं होती जो अमीर घरों में पैदा हो गए हैं, बेस्ट लाइफ उनकी होती है जो चाहे कहीं पर भी पैदा हुए हैं लेकिन उन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू करी है। स्पीड मैटर नहीं करती है, बस हर दिन जितना उससे हो सकता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रही है, वही कुछ टाइम बाद में सबसे अच्छी जिंदगी जिएगा।
अच्छी जिंदगी से यहाँ पर लग्जरी लाइफ की बात नहीं हो रही है, वो एक खुश जिंदगी जिएगा या खुश जिंदगी जिएगी, क्योंकि जर्नी हमेशा ही मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होती है। अब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।